हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आई दृष्टि हम डिस्कस करेंगे और इसको हमें जल्दी से जल्दी डिस्कस करना है, तो सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसपे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम सिर्फ वो पार्ट करें जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बने और लास्ट समय में रिविजन हो, हाईलाइटेड आपको पीडीएफ भी देंगे। इसमें बस दो तीन चीज आपको याद रखना है। रिलीज कौन करता है, क्योंकि देखो जमाना है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सब पे बात हो, तो स्किल भी उसी हिसाब से देना चाहिए था, देना जाएगा ना, जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कौन सा रिपोर्ट है, ये नॉमा रिपोर्ट है। पहली बार कब दिया गया था, 2014 में पहले बार रिपोर्ट निकाला गया था। ये किसके द्वारा निकाला जाता है, दो ग्रुप है, ग्रुप का क्या नाम है, एक है वीवॉक्स, वीवॉक्स, और उसके अलावा CII, ठीक है। तीन ऑर्गेनाइजेशन है, कि वीवॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग और CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना, ये तीनों। और लेकिन इसको तैयार करने के लिए ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन सहायता किसे प्रदान करते लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से, AICTE, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो ये किस किस से हेल्प मांगते हैं ये नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कौन निकालता है। आपके ऑप्शन होंगे नीति आयोग, आपके ऑप्शन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें दो पृथक गतिविधियां होती है, एक है वीवॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट और एक होता है इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है, लेकिन इसको भी याद नहीं रखना, बस कौन निकालते हैं याद रखना। अब रैंकिंग थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। रैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा हायरिंग एक्टिविटीज करता है उसमें महाराष्ट्र टॉप है, कर्नाटका थर्ड है, तमिलनाडु, ठीक है ना। हायर एम्प्लॉयबिलिटी में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र ही हम सब। उच्चतम नियोजनीयता में टॉप शहर की बात करें तो उसमें पुणे टॉप किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। लखनऊ है सेकेंड नंबर पर, ये भी याद रखें, यहाँ पे यूपी सेकेंड नंबर पर, क्लियर। नेक्स्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें ज्यादा नहीं, ये एक चीज याद रखें, पहला मेजर प्रोजेक्ट है इस किस परियोजना का, एक परियोजना है ना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान यानी राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना, ये क्या है, नदी जोड़ो योजना है। तो केन बेतवा दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रिवर के बारे में। केन नदी जो क्या है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर बहती है। सिंपल, केन नदी निकलती क्या है, कटनी जिला से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है, उसकी लंबाई याद नहीं रखना है। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है ना, उसके चिल्ला गांव में यमुना से मिलती है। और यहाँ पे केन नदी पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, केन घड़ियाल सेंचुरी है और एक है रेंच फॉल्स यानी राने, सॉरी रेने रेंच नहीं, राने फॉल्स, और एक है केन घड़ियाल सेंचुरी, याद हो गया। बेतवा की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, रायसेन जिला से निकलती है। उसके अलावा इस पे कई सारे बांध है, जैसे राजघाट, पारीछा और माता टीला। तो क्या क्या याद रखना है, ये पहला परियोजना है, पहला मेजर परियोजना है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का, और एक जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ किस किस के बीच, यूपी, एमपी और जो हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, उनके बीच। तो केन और बेतवा के बारे में हम डिस्कस करें, ये सब क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। उसके अलावा भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर वाले सिस्टम लगा है, ठीक है ना। देखो सेवेंथ जो सूची है उसमें पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो अभी जो भी नीचे के पुलिस ऑफिसर होते थे वो अपना जो भी काम होता था उनका, लाइक ये सब धारा से रिलेटेड, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताते थे, डीएम, लेकिन अब इससे रिलेटेड वो सीधा एक पुलिस कमिश्नर होंगे, उनको बताएंगे। तो ये सिंपल याद रखना, किन किन दो जिलों में लागू हुआ है पुलिस कमिश्नरेट, एक है भोपाल, ठीक है ना, एक भोपाल और दूसरा इंदौर, भोपाल और इंदौर। कौन नियुक्त किए याद नहीं रखना है, मकरंद जी भोपाल के और मिश्र जी इंदौर के, याद नहीं रखना है। तो क्या ये ऑलरेडी एक, ये क्या यूपी में भी है कहीं कहीं, हाँ चार जिला में ऑलरेडी है यूपी के, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। जो स्किल्स रिपोर्ट हम किए थे ना उसका थीम याद रखिएगा, उसका थीम है री इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग, ठीक है ना, एजुकेशन एंड स्किलिंग और ऊपर से है री इंजीनियरिंग, तो ये भी पूछा जा सकता है।
देखो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, देखो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना, ठीक है ना, माइक्रो ग्रिड सिंपल आपको याद रखना कहाँ पे है। माइक्रो ग्रिड जो परियोजना है उसको किसने बनाया है, एनटीपीसी ने बनाया है, और ये कहाँ पे है, सिम्हार्दी में। सिम्हार्दी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सिम्हार्दी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था आपको पता है पिछले यूपीपीसीएस में, पहला हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है, बस ये याद रखना है, ठीक है। होता क्या है, इस परियोजना के तहत जो तैरते फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ना उससे, क्योंकि मान लो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उससे हमने रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके मदद से हम ग्रीन हाइड्रोजन बना लेते हैं। सिंपल, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उससे आप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, और उस रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइजर के मदद से आप ग्रीन हाइड्रोजन बना लेते हो। तो आप याद रख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन की मदद लेते हैं हम क्या बनाने में, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइजर का मदद लेते हैं, ठीक है। एक बेस्ट टूरिज्म विलेज, अब क्वेश्चन होता है ये देता कौन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये देता है। अब इसका जो सभा हुआ, 24वां सभा कहाँ पे हुआ, मैड्रिड में हुआ, ये भी याद रखिए। भारत सरकार ने इनको 3 गांव दिया था कि भाई इन तीनों को आप चेक करके एक बारी इनको पर्यटन विलेज बना दीजिए। एक बारी पर्यटन विलेज बन जाता है ना तो वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने। लेकिन तीन में से 3 गांव कौन कौन दिया था, कोंग थोंग जो कि मेघालय का है, लथपुरा खास जो कि मध्य प्रदेश का है, पोचमपली तेलंगाना का है। लेकिन उन्होंने पोचमपली जो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में बिलोंग करता है इसको क्या दिया, पर्यटन गांव का दर्जा दिया। इसको एक्चुअली आपको पता है ना, इसको सिल्क सिटी बोला जाता है, किसको, तेलंगाना को। कौन सी सिल्क मिलता है, इकत नामक एक यहाँ पे शैली बनाई जाती है, और इसको 2014 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया गया था। पोचमपली को हम भूदान पोचमपली भी बोलते हैं क्योंकि जो विनोबा भावे दिया जो जी द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था ना, भूदान मूवमेंट, वो बहुत अच्छे से काम किया था। दो और विलेज है उसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। कौन एक है, कोंग थोंग, और एक है लथुपुरा, छोड़ दे सकते हैं। कोंग थोंग मेघालय में है, और यहाँ पे कोंग थोंग के लिए बस एक याद रखे, सिटी वाला गांव इसको बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों को नाम के बजाय से एक एक धुन देने की प्रथा है। उसके अलावा निजामुद्दीन की जो बस्ती परियोजना है, याद रखना सिंपल पूछेगा कि इंडिया के किस परियोजना को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 का उपाधि दिया गया, तो यह है निजामुद्दीन की बस्ती परियोजना, ठीक है ना। दो जो श्रेणियां में इनको अवार्ड मिले, एक तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और एक है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल है, निजामुद्दीन की बस्ती परियोजना को किसने अवार्ड दिया, तो यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी, बहुआयामी यानी गरीबी के बहुत सारे सूचकांक होते हैं, यानी गरीबी के एक दो सूचकांक नहीं होते कि पैसे कमी है, बहुत चीज से लोग गरीब होता है, उसका सूचकांक निकालता है। कौन निकालते हैं भाई, नीति आयोग निकालते हैं, बस याद रखिए। तो नीति आयोग किससे हेल्प किससे लेती है, देखो एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है ग्लोबल, तो ग्लोबल का निकालती है ओपीएचआई और यूएनडीपी, देखो। और इन दोनों को पता है कि कैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं, तो इन दोनों से हेल्प ले लेता है नीति आयोग। कौन है ये, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई और यूएनडीपी, इन दोनों से हेल्प लेता है नीति आयोग। मतलब ये ग्लोबल निकालते हैं, ग्लोबल जब निकालते हैं तो इंडिया की रैंकिंग देते हैं, तो ये इंडिया का निकालता है नीति आयोग, तो स्टेट की रैंकिंग देता है, कोई दिक्कत। तो इसमें टोटल 12 संकेतक होते हैं, तो इसके हिसाब से भारत का 25% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, तो ये ग्लोबल वाला रिपोर्ट निकाला होगा ना उसके हिसाब से है। अब भारत में कौन कौन, भारत के कौन से राज्य ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा गरीब है बिहार, उसके बाद आता है झारखंड, बस इतना याद रखें। सबसे कम कौन है, केरला। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है, दादर नगर हवेली, सबसे कम है पुडुचेरी, ठीक है। ये आप साफ साफ छोड़ सकते हो कि डिप्राइव पॉपुलेशन कौन सा चीज, जैसे पोषण में सबसे पिछड़ा है बिहार, बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश, ये याद कर सकते हो।
बाल एवं किशोर मृत्यु दर में टॉप कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम कहाँ पे? केरला। ठीक है, बस ये याद रख सकते हो। चलो अब ज़्यादा उसके डीप नहीं याद करते हैं। याद रखो उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर का स्कोर क्या है? 0.18। ठीक है, ग्रामीण ज़्यादा गरीब है, शहरी कम गरीब है। कितना परसेंट लोग गरीब है? 37.79। सबसे ज़्यादा बिहार का क्या? लगभग 52% लोग तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, तो यूपी का ये 2 पॉइंट याद रखना, सिंपल याद, विलेज ज़्यादा अर्बन से, डेटा मत याद रखना, ये बस डेटा याद है, ये याद है काफ़ी है। पहला यू बिहार, लास्ट सबसे सबसे कम गरीब केरला, यूटी में भी हमने याद कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। कौन निकालती है? एक थिंक टैंक है, उस बेंगलुरु में बसा थिंक टैंक है, उसका नाम ही है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ठीक है ना, पब्लिक अफेयर सेंटर। ये क्या करता है? जो हमारे गवर्नेंस का इंडेक्स है ना, गवर्नेंस में कितना अच्छा काम करा है उसके बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है ना, तीन पिलर है मेन, और ये छठवां संस्करण है निकाला गया, ये भी हमें पता होना। टोटल तीन पिलर है, तीन पिलर बस याद रखना है, आगे का हम नहीं याद रखे हैं। तीन पिलर कौन कौन है? इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। पांच थीम है, छोड़ देते हैं, 14 SDG है, ये छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन पिलर है, पांच थीम है, 14 SDG है, और ये छठवां है, छठवां एडिशन 2016 में पहला था। ठीक है, रैंकिंग थोड़ा देख लेते हैं। बड़े श्रेणियों में केरला सर्वश्रेष्ठ है, छोटे में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, और जो बड़े राज्य में सबसे नीचे कौन आता है? यूपी। ठीक है ना, कौन सा? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। नेक्स्ट है SDG शहरी सूचकांक, यानी अर्बन की बात करें, SDG मतलब सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अर्बन कौन सा शहर ज्यादा अच्छा काम करे, तो रैंकिंग दे देते हैं। एक तो कौन निकालेगी? एक तो नीति आयोग है। ठीक है, एक तो है नीति आयोग, और उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की। यहाँ पे देखो नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी, तो ये याद नहीं रखना, सिंपल याद रखना है नीति आयोग है और जर्मनी की कुछ संस्था है। इस सूचकांक पे पहला स्थान किसको मिला है? शिमला को। ठीक है ना, पहला शिमला को मिला, बस याद रखिए। एक चीज और, ये क्योंकि टोटल 169 टारगेट है ना SDG में, तो ये सबको नहीं निकालता है, सिर्फ इसके पास 77 जो टारगेट है ना उसके बेसिस पे निकालता है। 17 गोल है, 169 टारगेट है, तो इसमें से सिंपल 77 टारगेट पे को यूज करता है, पहला शिमला है। अगर बॉटम की बात करें, बॉटम में सबसे बॉटम कौन है? धनबाद। ठीक है, टोटल 56 शहर को निकालता है। तो अगर टॉप की बात करें, टॉप की बात करें तो सबसे अच्छा कौन है? यूपी में लखनऊ, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये किसका पार्ट है? ये तो हमसे कब पता है? स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। कौन निकालती है? अर्बन एरिया में निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहला सर्वे कब किया गया था? 2016 में। पहला सर्वे कब किया गया था? 2016 में। ये पांचवा है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या इसमें निकालेंगे? देखो राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है बताइए? ये है इंदौर। और उसके अलावा इंदौर को आपको पता है वाटर प्लस सिटी भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे देखें जो 1 लाख से कम वाला शहर है, यहाँ पे देखो ना, सॉरी 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है उस, देखो कई कैटेगरी में वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला तो उसमें इंदौर टॉप किया है, 1 से 10 लाख वाला जनसंख्या वाला तो उसमें न्यू दिल्ली टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का दो शहर है, सिंपल है। 1 लाख से ज्यादा वाले में कौन टॉप किया है? इंदौर। 1 लाख से 10 लाख वाले में टॉप किया है कौन? दिल्ली, न्यू दिल्ली। अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में, लखनऊ का दो शहर है जिसमें, सॉरी यूपी का दो शहर है, लखनऊ 12वां, गाजियाबाद 18वां, और ये याद नहीं रखना है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में जो महाराष्ट्र का बीटा है ना,
सांगली, इसको सबसे सस्ता मैंने 1 लाख से ज्यादा वाले में इंदौर, 10 लाख से ज्यादा वाले में न्यू दिल्ली, 20 लाख से ज्यादा वाले में टॉप है, मैं याद नहीं, सॉरी 10 लाख से ज्यादा, देखो पहले है 1 लाख से ज्यादा, फिर 1 लाख से 10 लाख के बीच, और फिर 10 लाख से ज्यादा में यूपी का दो है, लखनऊ और गाजियाबाद, 10 लाख से ज्यादा का बाकी का मैं याद नहीं रखना है, 1 लाख से कम वाले में बीटा है महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके अलावा 5 राज्य की बात करते हैं जिसके पास कम से कम 100 अर्बन लोकल बॉडी हो, और एक क्या है 100 लोकल बॉडी, इससे मतलब कि 100 से कम हो और एक है 100 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या हम डिस्कस किए, मैं एक बार पॉज कर लिया था। अभी तक देखो 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, 1 लाख से 10, ये दोनों अलग अलग है, एक है 10 लाख से ज्यादा वाला पॉपुलेशन, एक है 1 लाख से कम वाला पॉपुलेशन। 1 लाख से ज्यादा वाले इंदौर, 1 से 10 लाख वाले में न्यू दिल्ली, 10 से ज्यादा लाख वाले में दो है यूपी का, दो शहर, एक है लखनऊ और एक है गाजियाबाद, ये 12वां या 18वां। 1 लाख से कम वाले पे बीटा जो कि शामली का है, महाराष्ट्र का। अब क्या है, अब राज्य को रैंकिंग करते हैं, ये तो हवाई शहर हो गया, राज्य को रैंकिंग करते हैं, ऐसे राज्य लेते हैं जिसके पास 100 से कम अर्बन लोकल बॉडी है, और कुछ ऐसे राज्य लेंगे जिसके पास 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है। 100 से कम वालों में झारखंड टॉप किया है, 100 से ज्यादा वाले में छत्तीसगढ़ टॉप किया है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें जो छठवा है ना वो है यूपी। अब गंगानगर है, गंगा मतलब जो गंगा के किनारे नहर है, उसमें भी दो लेते हैं, एक है 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, एक 1 लाख से कम पॉपुलेशन। 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले में सबसे टॉप पे कौन आता है, वाराणसी। 1 लाख से कम पॉपुलेशन की बात करें तो कन्नौज आता है उत्तर प्रदेश का, उसके अलावा कुछ और रैंकिंग है। सबसे स्वस्थ मेगा शहर जिसका 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें अहमदाबाद आता है। बिग सिटी 10 से 40 लाख में नवी मुंबई, मीडियम 3 से 10 लाख वाले में नोएडा, छोटा में कौन आता है, नई दिल्ली, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब कौन सा राजधानी, सबसे स्वस्थ राजधानी वो है गांधीनगर। उसके अलावा कुछ एक क्या है, एक नई प्रदर्शन श्रेणी जिसमें प्रेरक दौर सम्मान दिया जाता है, इसमें 5 शहरों का चुना गया है, जिसमें को प्लैटिनम दिया गया, और उसके अलावा कुछ और अवार्ड है, गोल्ड, गोल्ड में भी 5 शहर है, क्लियर है, ये दौर है, इसमें अवार्ड जीता जाता है, तो उतना याद नहीं रखना, क्लियर है ना। यानी प्रेरक दौर सम्मान में दो दो कैटेगरी, एक एक है प्लैटिनम कैटेगरी, प्लैटिनम, और एक है गोल्ड कैटेगरी। प्लैटिनम कैटेगरी में 5 शहर को जोड़ा गया है, जिसमें आता है तिरुपति आंध्र प्रदेश का, नई दिल्ली दिल्ली का, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर, और महाराष्ट्र का मुंबई। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी है, मतलब इससे थोड़ा लोअर कैटेगरी हो सकता है, इसमें यूपी का भी 5 शहर है और टोटल 151 है, थोड़ा लो कैटेगरी हुआ। उसके अलावा कचरा मुक्त में स्टार रेटिंग दिया जाता है, ठीक है ना, 3 स्टार और 5 स्टार। कुछ 9 शहर है जिनको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, उसमें इंदौर सूरत सब है। उसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, तब जो लोग साफ करते हैं उनके जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने में कौन अच्छा काम करता है, तो अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें इंदौर टॉप किया है, ठीक है, नवी मुंबई दूसरे स्थान पे है, सफाई मित्र छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा राज्य, उसके अलावा यूपी का 6वां स्थान है इस राज्य वाले में, और सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ आता है, तो काफी रैंकिंग है। एक बारी थोड़ा सा जो किए हैं उसको दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिए, ऑप्शन आते ही एलिमिनेट हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, देखो यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है तो हाईली कनेक्टेड है अर्बन पार्ट से, न्यू दिल्ली वगैरह से, और वो आपस में भी कनेक्टेड है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट थोड़ा पिछड़ा हो गया है, तो ईस्टर्न पार्ट को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो किया गया, शिलान्यास किया गया है 2021 में, प्रधानमंत्री जी ने किया, कहाँ पे, करवल खीरी से, तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से किया, करवल खीरी से, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये स्टील प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल बात है, और इसका शिलान्यास एक्चुअली 2018 में ही रखा गया था आजमगढ़ से, याद रखिएगा, और
ये एक्सप्रेस वे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड को ये छोड़ सकते हो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक गंगा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, मेरठ से लेके प्रयागराज जिले तक है, मेरठ से प्रयागराज तक, गांव का याद नहीं रखना है, ये सिंपल समझो ना, नॉर्दर्न यूपी को वेस्टर्न यूपी से जोड़ता है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स कौन निकालता है, देखता है कि किस किस पुलिस स्टेशन से या किस एरिया के पुलिस स्टेशन से सिटीजन है वो सेटिस्फाइड है सर्विस से, निकालता कौन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन निकालता है। ये पहला सर्वेक्षण है, ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज, टॉप कौन किया है बताइए, सबसे न्यूनतम तो सबसे नीचे तो बिहार है, सेकेंड लोएस्ट है यूपी, सेकेंड लोएस्ट है यूपी, लेकिन टॉप कौन किया है ये बात आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश टॉप किया है, आंध्र प्रदेश टॉप, बिहार लोएस्ट, यूपी सेकेंड लोएस्ट, कौन है, पुलिस इंडेक्स। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये क्या कर रहा है पता है, नाम है एनएसपीई, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, सिंपल है, 1 से 8 कक्षा के स्टूडेंट के लिए है, ये कब से कब तक है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, जो मिड डे मील चल रहा था ना उसको रिप्लेस कर रहेगा, मिड डे मील को रिप्लेस करेगा, बस याद रखिएगा ये, क्या ना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है ना, ठीक है, पोषण योजना के तहत ही ये एक आता है पोषण शक्ति निर्माण, स्कूल की बात करें, ठीक है, राज्य नेशनल फूड सिक्योरिटी, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है ना, कौन निकालता है सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल फूड मतलब राज्य है तो स्टेट, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकाला जाता है, पहली बार निकाला गया था 2019 में, ये बात याद रखिए, तीसरा है, ठीक है, रैंकिंग ज़्यादा याद नहीं रखना है, उसके अलावा सिर्फ रैंकिंग थोड़ा ध्यान रख लें, तीन बड़े राज्य में गुजरात टॉप है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप है, यूटी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप है, ठीक है, और मिजोरम बिहार स्टेट में बॉटम है, मिजोरम छोटे स्टेट में बॉटम है, बिहार बड़े स्टेट में बॉटम है, लक्षद्वीप यूटी में बॉटम है, ठीक है ना, और यूपी 5वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है रेल कौशल विकास परियोजना योजना, ठीक है, रेल कौशल विकास परियोजना में क्या है, सिंपल है कि यार जो यूथ है उसको स्किल देने की बात की है, जो 18 से 15 वाले यूथ है उसको बात की गई है, यूथ को क्या किया जाएगा, स्किल देने की बात की, इस योजना का नोडल एजेंसी कौन है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, इसके तहत बोला कि 3 साल की अवधि में हम 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दे देंगे, और किस स्कीम क्या था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, फिर ये मदद करेंगे रेलवे वाले में ही, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आया था, ठीक है ना, क्राइम इन इंडिया, इसका पहला संस्करण आया था 1959 में, ये बात ध्यान रखिएगा, ये 68वां, ये भी नहीं याद रखना है, ठीक है, और इसमें रैंकिंग वैंकिंग कुछ दिया नहीं, ये सब छोड़ सकते हो, ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, देखो अर्बन का तो हमने देख लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निकालती है, इसका कौन निकालती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, अब बोलो कि जल शक्ति, पहले एक बॉडी होता था सैनिटेशन वाला, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि वो मिनिस्ट्री अब जल शक्ति में मिल गया है, मर्ज हो गया है, तो गांव वाला जल शक्ति मिनिस्ट्री ही निकालती है, ठीक है ना, यानी स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ, उसके दो मिशन है, एक शहरी वाला, शहरी निकालती है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और गांव वाला निकालती है जल शक्ति मंत्रालय। रैंकिंग उनकी नहीं याद रखना, रैंकिंग और किसी करेंट अफेयर्स में होगा तो ध्यान रखना है। यहाँ पे दो न्यूज है,
एक है सुजलाम अभियान और एक है इंदौर। इंदौर क्या बना है? पहला वाटर प्लस सिटी बना है। इंदौर पहला वाटर प्लस सिटी बना है 2021 के सर्वेक्षण में। सुजलाम में क्या किया जाएगा? ये आजादी के अमृत महोत्सव का ही पार्ट है। इसमें इसमें ODF को सस्टेनेबल बनाया जाएगा और ग्रे वाटर को मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। यह एक 100 दिन का क्या है, अभियान है, ठीक है। इसमें शौचालय के, क्योंकि ODF आप गांव किसको बना दिया है, ODF इस पर्टिकुलर एरिया को बना दिया, लेकिन सस्टेनेबल रहना जरूरी है ना, उसकी बात करते हैं। NIRF ये कौन निकालती है? नेशनल, ये रैंकिंग है, रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये रैंकिंग्स निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रैंकिंग निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। पहली बार 2015 में निकाली थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ओवरऑल श्रेणी तो होता ही है, उसके अलावा विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान वाला अलग अलग श्रेणी होता है। टोटल 7 श्रेणी में बटा हुआ है। डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट, मैंने सॉरी, एक पहला है, अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल या आर्किटेक्चर या डेंटल, सभी, ठीक है। तो ये रैंकिंग निकालना है, कुछ मूल्यांकन है, किस किस चीज़ों पे किया जाता है, मतलब क्या पॉइंट है, इंडेक्स क्या क्या है। पहला इंडेक्स क्या है? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। सेकेंड है रिसर्च, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिस। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम। फोर्थ क्या है? आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर लोग अच्छा करें तो उसको ऊपर रखेंगे, ठीक। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप किया है, ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के दो है ओवरऑल कैटेगरी में, एक IIT कानपुर है और एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान मिला है और IIT कानपुर को 5वां, ठीक है। उसके अलावा उच्च संस्थान के कैटेगरी में IIT कानपुर है टॉप, नहीं, ये उत्तर प्रदेश की बात, ये 5वां, ये तो हमने देख ही लिया था। विश्वविद्यालय के कैटेगरी में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ना ISC, उसको टॉप मिला है। उसके अलावा JNU, उसके बाद नई दिल्ली, और उसके बाद मतलब JNU जो नई दिल्ली में है और उसको द्वितीय, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तृतीय। इंजीनियरिंग में हम तो पता है IIT मद्रास को टॉप मिला है, ठीक है, इतना रख सकते हो, ठीक है। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस टॉप किया है और अनुसंधान की श्रेणी में वही ISC। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बी एगलोंग समझौता, एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच, अमित शाह, उसके अलावा असम के मुख्यमंत्री, और उसके बाद है कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है ना। इन तीनों का मेन काम है कि अब डेवलपमेंट करना है, 5 वर्षों में 1000 करोड़ पैसा आवंटित किए जा रहे हैं, उसका डेवलपमेंट करना है। एक कार्बी वेलफेयर काउंसिल सेटअप करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और कार्बी एंगलोंग मध्य आसाम में, मिडिल आसाम जो है उसका एक जिला है, इसमें बहुत सारी जनजातियाँ रहती है, कौन कौन, कार्बी, डिमासा, बोरो, कुकी, हमार, तीवा, गारो, मान, रेगमा, नागा, ये सब जनजातियाँ रहती है। क्या बात बनाने की बात कर रहे हैं? एक वेलफेयर काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं, कार्बी वेलफेयर काउंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, क्योंकि वो थोड़े कम डेवलप है, तो उसके SDG के लिए अलग है रैंकिंग निकाल लेते। कौन कौन निकालता है? एक तो नीति आयोग होती है, उसके अलावा एक जो पूर्वोत्तर राज्य का विकास मंत्रालय नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट वाला, ठीक है। तो इसके रिपोर्ट में जो आया ना, टोटल 8 राज्य है, 7 नहीं है, 8 है, सिक्किम को भी लेते हैं इसमें। इसमें जो पूर्व सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको पहला स्थान मिला, बस ये याद रखिए, टोटल 103 डिस्ट्रिक्ट है और इतना याद रहे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखे, पहला स्थान। अब सिक्किम का एक राज्य मछली है, ठीक है ना, जिसका नाम है कॉपर महसीर, जिसे स्थानीय रूप पे कैटली बोलते हैं, और इसको स्टेट फिश का घोषणा दर्जा दिया गया, बस इतना याद रखिएगा, स्टेट फिश।
आईयूसीएन ने इसको इंडेंजर कैटेगरी में रखा है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, कौन सा कॉपर मासीर इंडेंजर स्टेट फिश सिक्किम का। अब पूछेगा, हाल में ही किसी राज्य ने एक मतलब कि राज्य ने कैटर कॉपर महसीर को राज्य मछली का दर्जा दिया, वो कौन सा राज्य है, तो आप बता देना। ठीक है, तो 30 पेज तक हो गया, 32 पेज तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 पेज तक कंप्लीट कर देंगे, वो भी आज ही वीडियो आ जाएंगे, ये भी आज ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं साथ के साथ आपको बता दे चलता हूँ, ये हमारे कोई कुछ कोर्स है उस पर अलग अलग टाइप का ऑफ है। एक पे 25% का ऑफ है जिसमें कंप्लीट जीएस, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र पूरा हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। उसका वीडियो भी कई सारा एमसीक्यू का हम लोग फ्री में डाल रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा बीपीएससी कोर्स पे सब पे 40-45, 50% का डिस्काउंट है। उसके अलावा यहाँ से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।